Good afternoon, students. Now we have to continue with surface area and volume. Three exercises we have revised, 13.1, 13.2, and 13.3, along with all the examples. Each and every question we have discussed again. Now we have to revise exercise 13.4, which is about the sphere and hemisphere. So again, there are three formulas: curved surface area, total surface area, and volume of sphere and hemisphere. Now sphere, you know, sphere is a type of a ball. ठीक है, ये है हमारा sphere. तो जो sphere का curved surface, जैसे cylinder है, cylinder का curved surface क्या होता है? ये side वाला total होता है, side वाला plus top plus bottom. लेकिन if we talk about a sphere, then the curved surface area and total surface area is one and the same thing. ये सारा curved भी है और ये सारा total भी है. So the curved surface area and total surface area of sphere is same. Area की बात कर रहे हैं. 4 is a number, pi is also a number, 22/7. एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है, तो इस तरह से आपको याद रखना है दैट 4 pi r square. और वॉल्यूम में हमेशा तीन डायमेंशंस होती हैं, तो क्यूब वाला फॉर्मूला होगा. अगर रेडियस क्यूब है तो 4 के नीचे 3. इस तरह से कैसे भी करके आपने फॉर्मूलाज को अपने माइंड में फिट करना है, राइट? देन वी हैव दी हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर मीन्स half of the sphere. This is a hemisphere, right? इसको अगर पूरा करेंगे तो ये sphere बन जाएगा. ये हो गया hemisphere. ठीक है, तो बेटा hemisphere में curved surface area क्या? You can take the example of a bowl. ठीक है, hemisphere मतलब sphere का आधा. अगर टोटल 4 pi r square है तो ये है कर्व्ड, मतलब जो नीचे वाला, जो सपोज एक बाउल है उसका नीचे वाला सरफेस, वो होता है उसका कर्व. स्फीयर का 4 pi r square है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया उसका आधा, दैट इज 2 pi r square. स्फीयर और स्फीयर का कर्व और टोटल सेम होता है, बट हेमिस्फीयर का कर्व और टोटल अलग होता है. जब भी फॉर्मूला लिखो, फिगर को अपने माइंड में एज्यूम करो. कर्व्ड ये हो गया 2 pi r square plus the area of the top. Now the top is in the form of a circle. So क्या area है? Circle का area pi r square, means ये सारा circle का area pi r square. ये हमारा कितना area है? 2 pi r square. So the total surface area of hemisphere is 3 pi r square. और वॉल्यूम स्फीयर का हेमिस्फीयर का स्फीयर से आधा, मीन्स अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं ये कट हो जाता है. सो इट इज 2/3 pi r. So learning of the formulas is the main important thing in this chapter. Suppose आपको radius given है and the question is find the volume. There is a bowl, right? Bowl in the form of a hemisphere whose radius is this. Suppose, ठीक है? Find the quantity, how much thing we can put in that bowl. ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्वांटिटी में उसकी उसमें कितनी चीज डलती है ये निकालना है. इसका मतलब हमें क्या चाहिए? उसका वॉल्यूम. अगर फॉर्मूला बेटे याद होगा, रेडियस गिवन है, फॉर्मूला लगाओगे सीधा आंसर. बट अगर फॉर्मूला में ही तुम गलत मलत लगाओगे, यू राइट 4/3 या यू राइट 3 एनी अदर थिंग इफ यू आर राइटिंग, देन यू गेट 0. इफ यू राइट द फॉर्मूला, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 pi r cube. And suppose if you write 2/3 pi r square, मान लो तुमने ही square लिख दिया और calculation कर दी, then you will get 0, full cross and you will get 0, because we are not going to see कि अच्छा r square a की radius कम है, चलो कुछ तो number दे. No, if the formula is wrong, 0 number you will get, that we are telling you. So learning of the formula is the topmost priority in this chapter. बड़ा चैप्टर है, इसकी वेटेज भी ज्यादा है. सो लर्न ऑल द फॉर्मूलाज बाय हार्ट. अगेन आई एम टेलिंग यू, यू माइट हैव सीन इन योर PT3 एग्जाम, देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच वर द वैल्यूज वर गिवन एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस थे.
डायरेक्ट क्वेश्चन तभी कर पाओगे अगर फॉर्मूला लर्न है. ओके नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7. नाउ लिसन, अभी नहीं करना है कवर नोट, सिर्फ सुनना है, ठीक है. नाउ रेडियस इज गिवन टू यू 7 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया पूछा है. देयर आर टू टाइप ऑफ सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल. बट इफ सरफेस एरिया इज रिटन कवर नूर, देन विच एरिया इज टू बी फाउंड? आसपास होता है. सरफेस एरिया पूछा है. दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं, एक कर्व्ड होता है, एक टोटल होता है. मुझे रेडियस गिवन है, मैंने सरफेस एरिया निकालना है. कौन सा निकालूंगी, कर्व्ड के टोटल? अरे मान ले सिलेंडर है, हाइट भी गिवन है 8. मान ले सिलेंडर है, सरफेस एरिया निकालना है, तो मैं कौन सा सरफेस एरिया निकालूंगी, कर्व्ड के टोटल? टोटल. अगर सरफ बेटा वहां कर्व्ड वर्ड मेंशन है क्या, वहां कुछ मेंशन है कि आपने साइड वाला निकालना है? क्या ऐसे कोई गिवन है कि पिलर है, सिलेंडर की पूरी एक्सरसाइज करवा दी है. अगर कोई पिलर को पेंट करना है, हमें पता है पिलर का जो टॉप होता है वो छत को लगा होता है, जो बॉटम है वो जमीन को, तो सिर्फ उसका कर्व्ड एरिया. इफ नथिंग इज मेंशन, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं दी, कोई कंडीशन नहीं दी, सिर्फ ये दिया है कि रेडियस गिवन है और सरफेस एरिया निकालना है, तो कोई भी फिगर हो, सिलेंडर हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, सब में तो अलग है ना कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, सिर्फ स्फीयर में सेम है. अगर सरफेस एरिया लिखा है तो बेटा आपको पहले बहुत बार मैंने बताया हुआ है, यू हैव टू फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया. सो दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन फिल द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड यू विल फाइंड दी आंसर, राइट. हम ना बेटे अभी डिस्कस कर रहे हैं, आपने भी अभी रेगुलर क्लासेस नहीं लगाई, वी आर डिस्कसिंग इट एंड एवरी क्वेश्चन, सॉरी, ताकि सारा हम रिकॉल कर लें. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम काफी देर पहले किया था नवंबर में, सारे क्वेश्चंस दोबारा कर रहे हैं ताकि सारे एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा करेंगे, सुनो इसलिए ध्यान से. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, रेडियस गिवन. 4 मार्क्स में मान लो ये क्वेश्चन आया, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बोलो कवर नूर क्या है? यस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² एंड टोटल सरफेस एरिया इज 3πr². रेडियस इज गिवन टू यू, यू विल फिल द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर इन यूनिट स्क्वायर. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ द बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड. इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज दिस मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट. Given the cost of painting is this. Now, a hemispherical dome को हमने paint करना है. Dome you understand? क्या होता है dome? Ceiling ऐसे curve, जैसे science city जाते हैं वहां पे एक dome show होते हैं, ऐसे इस तरह से होता है. ऐसे a dome, hemispherical dome है. ठीक है, ऐसे करके एक hemispherical डोम है. इट नीड्स टू बी पेंटेड. द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6. ये जो बेस है वो कैसा होता है हेमिस्फीयर का? सर्कुलर. उसका हमें क्या गिवन है? सर्कमफ्रेंस. क्वेश्चन पढ़ो. सर्कमफ्रेंस गिवन है. सर्कमफ्रेंस इज 17.6 मीटर. हमें निकालना क्या है कि पेंट के कितना क्या कहते हो उसको, कितने एरिया को पेंट हमें, हाँ, पेंट की कॉस्ट निकालनी है. तो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमने किस चीज को पेंट करना है. हमने उसके डोम को, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है. अंदर से बाहर से वो नहीं लिखा तो सिर्फ हम मान लेंगे अंदर से करना है उसको, अंदर से हमने पेंट करना है. ठीक है, इसका मतलब required area to be painted is the curved surface area of hemisphere that is 2πr², but radius तो given नहीं है.
कैसे? सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस सर्कल का होता है 2πr, दिस इज अ सर्कल 17.6 मीटर। यहाँ से रेडियस निकलेगा जिसको हम यहाँ फिल करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कहते कॉस्ट, एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, ₹5/100 cm². अब दो तरीके हैं 100 cm² एरिया को कॉस्ट करने के लिए ₹5 लगते हैं। जो हमारा एरिया आया वो किसमें आया है? मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ 100 गिवन है, वी नो 100 cm² इज 1 m² ऑल्सो, तो 1 m² को पेंट करने के लिए ₹5, जितना मीटर स्क्वायर आया है उसको पेंट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई विद 5। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो जो भी इसको आप पहले सर्कमफ्रेंस मीटर में गिवन है, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, मीन्स यहाँ से आपका जो भी रेडियस आएगा 2.8 मीटर, इट इज सॉल्व इन द बुक, रेडियस 2.8 मीटर आया, आप इसको सेंटीमीटर में कर लो 280 cm। सो कॉस्ट ऑफ 100 cm² इज 5, 1 का 5/100, 280 का मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से। एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ऑलवेज चेंज द यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स ऑफ द कॉस्ट। यहाँ तो सीधा 100 था जिसको 1 बना दिया, मान लो यहाँ 50 होता तो उसको 1 में कन्वर्ट करना मुश्किल होता, सो ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट योर यूनिट्स इनटू दैट यूनिट्स इन विच द कॉस्ट इज गिवन। ठीक है, तो ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकाला, डोम को पेंट करना, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया 2πr² फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली कम्स इन 3-3 marks। देन एक्सरसाइज 13.4, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, थर्ड क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया निकालना है, रेडियस गिवन है, सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 cm to 14 cm एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन टू केसेस। जैसे जैसे बलून में हवा भरते गए वैसे वैसे उसका क्या हो गया? रेडियस बढ़ता गया। एक हमारे पास छोटा बैलून है, एक हमारे पास बड़ा बैलून है, ये ओवल बन गया, सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है, एक बैलून हमारे पास है जिसका रेडियस कितना है? 7। जब उसमें एयर पंप थी तो बड़ा बन गया जिसका रेडियस है 14। ये तो वैसे बनाया, इट मीन्स R1 इज 7 cm एंड R2 इज 14 cm। वॉट इज आस्क्ड? रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, वेरी वेरी इजी, रिक्वायर्ड रेशियो इज सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट बैलून ओवर सरफेस एरिया ऑफ द सेकेंड बैलून। और अभी बताया है अगर सरफेस एरिया है तो इसका मतलब कौन सा एरिया? टोटल सरफेस एरिया। किसका? स्फीयर का, क्योंकि जो बलून है वो किस शेप में है? स्फीयर की शेप में है, तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है? 4π। आर, अब दोनों का आर अलग अलग है तो 4πr² over 4πr² 4π 4π कैंसल, व्हाट इज R1? 7² 14² अब 7 × 7 14 × 14 1/4, that is 1:4, such a simple question. If anyone is having any doubt, better you can ask, but I don't think so that you will be having it, because this is very easy. Next, question number 5. A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 cm. Find the cost of tin plating it on the inside of the radius at ₹16/100 cm². अब देखो क्या करना है, क्या करना है गवर्नर? अच्छा ठीक है, फिर
यस बिल्कुल ठीक है. बाउल है, बाउल का मतलब क्या है? दैट इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप ऑब्वियसली. ठीक है. और इनर डायमीटर गिवन है. वैसे क्या होता है, कई बार कई क्वेश्चन होते हैं जैसे कि इनर रेडियस गिवन है और जो हमने उसको पेंट करना है वो कहां से करना है? बाहर से. अगर और डायमीटर किसका? ये होता है सर्कुलर. ऐसे रेडियस अंदर ला गिवन है लेकिन पेंट करना है बाहर से, तो बाहर वाला रेडियस अलग होगा, वो बाद में आएगा क्वेश्चन. अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि एक आपके पास हेमिस्फीयर है जिसका ये हेमिस्फीयर तो नहीं बना वैसे, एक आपके पास हेमिस्फीयर है बेटे जिसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर. रेडियस क्या होगा? 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर. लेट इट बी लाइक दिस ओनली. नाउ व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड? That is, you will write the required area to be painted is 2 pi r square. ये यहाँ use करोगे, you will find the area in centimeter square. Okay, very easy. तो cost निकालोगे 100 centimeter square को paint करने के लिए rupees 16. 1 centimeter square is 16 by 100 and whatever it will come, you will multiply with the cost and you will get the answer. So in surface area and volume, you have to read the statement carefully. क्या given है, क्या पूछा है, किस किस चीज को paint करने के लिए बोला है, paint करने के लिए बोला है, कुछ fill करने के लिए बोला है, उसको बनाने के लिए material चाहिए या उसमें कितना material आता है, उससे आपको ये समझना है कि निकालना क्या है, area के volume, ठीक है? Now, radius of sphere निकालना है. Surface area is given. Surface area of sphere 4 pi r square is 154. 22 by 7 value put करोगे, r square की value आ जाएगी, जिससे you will get the value of r. Question number 7, again बेटा, very easy question. Just follow the steps. ये बहुत ही इजी है, बट द स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट यू पीपल डू. द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया. आपने सिंपल लिख देना है इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 7 कहते मूव अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. ये लिखना तो मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट में गिवन है. डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. अगर डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी, सिंपल आर एम इज ऑल्सो 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ, इतना लिख दिया. फिर उसका बस आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड रेशियो सरफेस एरिया. अब पहले सरफेस एरिया जब निकालना है तो पहले वो वाला ऊपर न्यूमिरेटर में रखनी है चीज जो पहले लिखी है. यहाँ पर मून पहले लिखा है तो मून का सरफेस एरिया ऊपर, अर्थ का सरफेस एरिया. बस इस चीज का ध्यान रखना, अलग अलग से निकालने की जरूरत नहीं है. 4π 4π कैंसिल हो जाएगा. इसमें पहले सिंपल सीधा रेशियो निकालो, 4π r m² 4π r e² कट गया. इसी स्टेप से लिख लेते हैं हम. हमारे पास क्या बचा, आर एम स्क्वायर ओवर आर ई स्क्वायर. अब मैं क्या करूं, मेरे पास मैंने अभी ये कंडीशन लिखी ना, ऑब्वियसली इट विल बी यूज्ड. 4 को मैं इधर लेके जाती हूँ, फ्रैक्शन ही खत्म कर देंगे. 4 आर एम इज इक्वल टू आर ई, मतलब जो जहां आर ई है वहां हमने क्या फिल कर देना है, 4 आर एम. आर एम स्क्वेयर की जगह पे आर एम स्क्वेयर, आर ई इज व्हाट,
आर ई स्क्वेयर है ना, आर ई की वैल्यू 4 RM, 4 RM होल स्क्वेयर, तो आर एम स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर 16, आर एम स्क्वेयर कट गया 1:16 इज अवर आंसर। बस इसमें क्या करना है, इस चीज पे ध्यान, उसको उधर कर दिया, फिर आर ई की जगह पे 4 RM पुट कर दो, बट होल स्क्वेयर लेकर, 4 का स्क्वेयर 16, सो द आंसर इज 1:16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब ये वही वाला क्वेश्चन आ गया जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, जिसमें थिकनेस की बात कर रहे हैं। देखो, अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इज मेड ऑफ स्टील 0.25 cm थिक, द इनर रेडियस इज 5 cm, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। नाउ सी, What is given to us? First of all, the inner radius. ये पूरा diameter है, ये हमारे पास given है 5 cm, और हमें given है उस जो बाउल है, ठीक होते हैं ना, भारी भारी बाउल होते हैं कई, जिसकी अगर आप देखोगे ऊपर से ही एक्स्ट्रा लेयर होती है, जब जो ब्रास के होते हैं ज्यादातर, अगर आप उसको उनको होल्ड करते हो तो आपको दिखता है वो भारी होते हैं, और साथ में ऊपर से कितनी कोटिंग लेयर बनी होती है मोटी, मतलब ऊपर से इधर जब यहां से पकड़ते हो तो ऐसे चौड़ा होता है, मतलब वो उसकी क्या होती है थिकनेस, ये सारी कितनी थिकनेस है 0.25 cm, ये थिकनेस है ये, सो इनर रेडियस 5 cm, थिकनेस 0.25 cm, निकालना क्या है आउटर क्लाउड सरफेस एरिया, ये यस आउटर क्लाउड सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें आउटर रेडियस चाहिए जो कि प्लस करोगे 5.25 cm। आउटर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज, नाउ विच रेडियस यू विल टेक, कैपिटल आर, दैट इज 5.25 cm, वैल्यूज फिल करोगे आंसर आ जाएगा। मान लो कैलकुलेशन कर रहे हो, आपने वैल्यूज पुट कर दी, थोड़ी बहुत ही कटिंग होती है तो वो कर दी, ज्यादा कैंसिलेशन होती है आपका पेपर पड़ा छोड़ दो, लास्ट में कैलकुलेशन अगर रहती है और जो आगे यूज नहीं होगी तो हार्डली हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर दैट। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, 22/7, 5.25 × 5.25, ठीक है, 7 × 7 = 49, अब मुझे पता है कि मैंने 100 किया, 7 × 7 = 49, 7 × 5 = 35, ठीक है, बस इसको ये लो 100। अब हमें मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं है, हो सकती है बट पता करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या करो, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया या कटिंग करके, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल लगाना आसान होता है, डिवाइड करना, कर लो, ये लो 25 × 3 = 4, ठीक है, ऐसे करके हम और कटिंग इसकी 5 से कर सकते हैं, तो जो इजी इजी लगता है कर दो, उसके बाद छोड़ दो, आंसर लिख दो, क्या निकालना है हमने सेंटीमीटर स्क्वायर, सो वी विल ओनली डिडक्ट हाफ मार्क, एक भी नहीं काटेंगे, आधा ही काटेंगे, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, उसको लास्ट में करो आके। क्वेश्चन नंबर 9, मतलब अगर ज्यादा मुश्किल है कैलकुलेशन, ये नहीं कि छोड़ ही देनी है, थोड़ी सी थोड़ा टाइम, ज्यादा टाइम लग रहा है आपको, लगता है इट विल टेक 5 मिनट्स, देन एंड यू आर हैविंग लेस ऑफ टाइम, तो आप छोड़ सकते हो उसको। A right circular cylinder just encloses a sphere. There is a cylinder. Figure is in the book. You can see there is a cylinder. It is enclosing a sphere. Just enclosing a sphere मतलब ये ऐसे. End to end. एक उसमें spherical ball. Find the surface area of the sphere. स्फीयर का क्या है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फर्स्ट पार्ट कुछ नहीं गिवन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 πr². सेकंड पार्ट में क्या पूछते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पाई आर एच तो ठीक है, बट ये हमारा क्या है, स्फीयर का डायमीटर, ये सेंटर, मतलब ये रेडियस और ये भी रेडियस, और ये क्या है,
वैसे यहां पर 2 पाई आर एच कर दिया है, चाहे हाइट को आप रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट करो कि नहीं, बट थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट मींस 4 पाई रिक्वायर्ड रेशियो। फर्स्ट पार्ट में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, अगर तुम यहां पर लिख दोगे 2 पाई आर एच तो क्या रेशियो निकाल लोगे, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, आर एच आर के साथ आर कट दोगे, तो आर रेशियो एच ये रेशियो थोड़ी है, रेशियो इज ऑलवेज इन नंबर। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन सी हियर दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट इट इज, डायमीटर मींस डबल ऑफ रेडियस मींस 2 पाई आर, और हाइट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डायमीटर मींस 2 आर, सबको रेडियस की फॉर्म में कर दिया। सो इट इज अगेन 2 × 4 पाई आर, ये भी वही आया क्योंकि पूरे सिलेंडर में स्फीयर डाला हुआ है। सो समझे ना, सिलेंडर में स्फीयर तो उसका कर्व्ड में वो स्फेरिकल का एरिया आ जाएगा, रेशियो क्या आएगी 1:1। सो इफ यू आर लिसनिंग केयरफुली, इफ यू आर डूइंग मींस यू आर वेरी मच अटेंटिव इन द क्लास, then you might be observing that when we are revising it is not difficult, ek do question hi hai thode se jisko hum revise kare, otherwise ncrt ka surface area and volume difficult nahi hai, seedhe seedhe question hai aur beta wahi aap se puche jate hain। so this was all about the 4 exercises, now come to the next one। ab iske baad ek volume of a cuboid hai, volume of a cuboid I have already discussed, cuboid ka volume hai lbh, L into B into H, और क्यूब का वॉल्यूम है A क्यूब। अब ये देखो, everyone you can see in the book example number 11, ये आपके पेपर में आई थी बेटा 4 मार्क्स में, और बच्चों ने गलत की थी, very few students did right because confused हो गए आप, इसमें क्या निकाले, students divided the area। अब let us read the question, a wall of length 10 meter was to be built across an open ground, the height of the wall is 4 meter and thickness of the wall is 24 centimeter, if the wall is to be built up with the bricks whose dimensions are this, how many bricks would be required। ab dekho, ab is question mein aapne ye samajhna hai, jaise hum karte hai na ki agar humne ek wall pe tiles lagani hai, ek deewar bani hui hai, दीवार पे टाइल्स लगानी है तो कितनी टाइल्स लगेंगी, तो हम क्या करते हैं, सर मान लो चारों दीवारों पे मुझे टाइल्स लगानी है, देन टोटल सरफेस एरिया मतलब द एरिया जितना जिसपे हमने टाइल्स लगानी है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। अब यहाँ एरिया की क्यों बात करी, क्योंकि जैसे ये एक दीवार है इसके ऊपर मुझे टाइलें पेस्ट करनी है, लेकिन अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, दीवार बनानी है ब्रिक्स के साथ, खाली है ग्राउंड है, अगर मैं सपोज करो मुझे मैंने खूब सारी इसी रूम में मैंने ब्रिक्स लाके रखनी शुरू कर दी, तो इसका मतलब क्या है, आई एम फिलिंग दिस रूम विद द नंबर ऑफ बॉक्सेस विद द नंबर ऑफ ब्रिक्स, इट मींस आई एम टॉकिंग हियर आई एम व्हाट आई एम डीलिंग विद, आई एम डीलिंग विद इट्स वॉल्यूम। जैसे एक ओपन ग्राउंड है, ठीक है, आपने इतनी चौड़ी दीवार बना दी, यार सिंगल है इतनी बना दी ब्रिक ब्रिक्स रख के, इसका मतलब आप उस ग्राउंड का कोई पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहे हो, यू आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस, ठीक है, वॉल के ऊपर वॉल, यू आर नॉट ऑक्यूपाइंग, उसके एरिया की बात नहीं हो रही, एरिया ऑफ द ग्राउंड क्या है, एरिया तो पूरा उसका ग्राउंड है, लेकिन आप उस पर दीवार बना रहे हो, यू आर सपोज ये रूम है, ठीक है, मैंने इसके अंदर एक और दीवार बनानी है, तो इसका मतलब मैं इतना सा ये जो जमीन का टुकड़ा है जिसपे मैं वॉल बनाऊंगी वो मैं उसका ऑक्यूपाई कर रही हूँ, समझ आ गई बात, जैसे तुम्हारे दो घर हैं, दो प्लॉट्स हैं, ठीक है, वो ओपन है, उनके दो घर बन गए, घर के बीच में एक बहुत मोटी दीवार है उन घरों को अलग करने के लिए, तो इसका मतलब आपने क्या किया, आपने वो जो बहुत बड़ा सा प्लॉट था उसका इतना एरिया ऑक्यूपाई कर ली, स्पेस ऑक्यूपाई कर ली इन ऑर्डर टू बिल्ड दैट वॉल, सो इट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। आप ये देखो सॉल्यूशन में लिखा भी हुआ है, सिंस द वॉल विद ऑल इट्स ब्रिक्स मेक अप द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। अब बहुत इजी है, देखो हमने बताना है कि उस वॉल पे ब्रिक्स बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स लगेंगी, तो हमेशा जब भी डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर कुछ भी होता है,
required number of bricks is volume of the wall divided by volume of one brick. जो बड़ी चीज होती है उसका वॉल्यूम ऊपर, जो छोटी चीज होती है उसका वॉल्यूम नीचे. अब जो वॉल्यूम है आप देख सकते हो, जो ब्रिक का वॉल्यूम है वो सारा किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में. इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करके कटिंग होनी है, इसलिए ऐसे ही छोड़ेंगे. और जो वॉल का वॉल्यूम है उसमें लेंथ है 10 मीटर, मतलब सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, 1000 सेंटीमीटर. हाइट इज 4 मीटर, थिकनेस मतलब विड्थ, दैट इज 24, हाइट 4 मीटर, तो 400 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया. ऑल द यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर. यू विल डू द डिवीजन एंड द आंसर, आंसर विल बी 4166.6. तो अप्रोक्सीमेटली यू विल राइट 4167. ब्रिक्स कैन नॉट बी इन पॉइंट, सो दीज मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दैट वॉल. अगर आपको अभी याद आ गया होगा बेटे, सीधा का सीधा 4 नंबर में क्वेश्चन था, सिर्फ इसको चेंज करके डिवाइड करना था, आंसर आ गया था. 4 मार्क्स का क्वेश्चन एनसीईआरटी में से. सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, वो ध्यान तभी रखा जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, कि क्या निकालना है, एरिया या वॉल्यूम. अगर दीवार बनानी है तो वॉल्यूम, अगर दीवार पे कुछ पेस्ट करना है या दीवार को पेंट करना है तो एरिया. आई होप इट इज क्लियर. अब एग्जाम्पल नंबर 12 देख लो, फिर कल एक्सरसाइज करेंगे. फिगर देख लो, क्यूब्स बने हैं कितने सारे. यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फुल फिगर एंड एज इज गिवन 3. सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब, मीन्स 3 3 27 cm³. दिस इज वॉल्यूम फॉर 1 क्यूब. हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, 15. तो यू विल राइट टोटल वॉल्यूम इज, वॉल्यूम 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द वॉल्यूम फॉर द एंटायर स्ट्रक्चर. ओके, सो आदित्य यू हैव एंटर्ड द क्लास राइट नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू अनम्यूट यू. फाइन, वॉट एवर यू वांट टू आस्क यू कैन मैसेज मी एंड आस्क, बिकॉज आई डाउट अबाउट योर एंट्री. सो एवरी मंथ बेटा रिवाइज द क्वेश्चन, ठीक है. वैसे अगर आपने अभी क्लास अटेंटिवली लगा ली है तो रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, सबको समझ आ गया होगा, ठीक है. टुमारो विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 13.5. टेक केयर.